हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मीनाक्षी क्रिएटिव कॉर्नर। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 4 अमेजिंग DIYs। तो देखिए, सबसे पहले मैंने लिया है एक चिप्स का कैन और इसको ब्लैक कलर से कर लिया है और एक्रेलिक कलर को यूज़ किया है। और उसके बाद में मैं 3D लाइनर से इसमें मैं एक पिकॉक का फैदर जो है ड्रॉ कर रही हूँ। इसी लाइनर से ही हमें बनाते चले जाना है। और इस तरीके से देखिए, ये बनाने के बाद में जब हल्का सा ये अच्छे से ड्राई हो जाए उसके बाद ही मैंने इसमें कलर अप्लाई किया है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने ऑरेंज अप्लाई किया है और थोड़ा सा ब्राउन मिक्स करते हुए, और उसके बाद में फिर ऑरेंज, और फिर उसके बाद में मैंने ब्लू, और फिर हल्का सा लाइट ब्लू, और फिर किनारे पे मैंने ग्रीन कलर यूज़ किया है। तो इस तरीके से देखिए हमारा फैदर का डिज़ाइन जो है बन जाता है, और ये बिल्कुल इजी है, कोई टफ नहीं है। और इस तरीके से थोड़ा सा और इसको अट्रैक्टिव करने के लिए मैंने यहाँ पे बीड्स की एक लेस लगा दी है जो कि सेल्फ एडहेसिव है। तो इस तरीके से देखिए हमने ये एक पॉट बनाया है। आप इसको फ्लावर लगाइए या फिर आप इसको प्लांट भी लगा सकते हैं। अब चलते हैं अपने सेकेंड DIY की तरफ। और इस प्रोजेक्ट के लिए देखिए, मेरे पास में कुछ ये एक्रेलिक की बॉटल्स रखी थी, इनको अच्छे से क्लीन करके और फिर इनको अच्छे से जब ये ड्राई हो जाए इसके बाद हमने इसमें अटैच कर दिया। इस तरीके से हमें एक पेस्ट करते जाना है ताकि एक बीच बीच में थोड़ा सा गैप भी नज़र आए। और देखिए, इस तरीके से ऊपर मैंने एक रेड कैप भी लगा दिया। और इस को होने के बाद में मैंने एक वाइट जेसो का कोट करने के बाद ही मैंने इसमें ब्लैक कलर को अप्लाई किया है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करेंगे एक्रेलिक कलर ग्लास के ऊपर तो वो रिमूव हो जाता है। इसलिए पहले एक जैसो का कोट लगाने के बाद ही अप्लाई करिएगा। फिर देखिए, मैंने लिया है मोल्डेड क्ले और इसको दोनों को अच्छे से मिक्स करके मैंने इनमें फ्लावर को शेप में कट कर लिए हैं, जो कि मैंने फ्लावर कटर से कट किए हैं। एक कट करने के बाद मैंने इसमें जो है मोल्डेड क्ले से देखिए मैंने इसमें एक बेल टाइप की बना दी है, और उनके बाद ही मैं इसमें जो है फ्लावर को पेस्ट कर दूंगी। तो अब देखिए, ये अच्छे से बन जाने के बाद में ऊपर भी मैंने एक स्टैंड टाइप का बना दिया है ताकि हम इसमें अपनी जो भी कैंडल्स वगैरह है उनको जो है हम यहाँ पे रख सकें। और इसके बाद में देखिए, मैंने नियॉन कलर्स को यूज़ करते हुए येलो और ग्रीन से इसमें जो है शेड दिया है इनकी लीव्स और बेल पे। और फ्लावर्स को भी हम कर लेंगे ऑरेंज और पिंक से। देखिएगा, बनने के बाद ये बहुत अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, आपको एक बार रिमाइंड कराना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि मेरे वीडियोस आप देखते रहें और आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो देखिए, मेरा बन जाने के बाद में ये कैंडल स्टैंड कुछ इस तरह से लग रहा है। तो अब चलते हैं अपने थर्ड प्रोजेक्ट की तरफ। इसके लिए मैंने लिया है एक वेस्ट सीडी और इसके बीच में जो होल है उस पर मैंने लगा दिया है मास्किंग टेप। दोनों तरफ से पेस्ट करने के बाद में मैंने जैसो का कोट एक अप्लाई कर दिया था, और अच्छे से जैसो का अप्लाई हो जाने के बाद में, ड्राई हो जाने के बाद मैंने इसमें येलो कलर को अप्लाई कर दिया। और वो भी जब अच्छे से ड्राई हो गया येलो कलर भी, उसके बाद मैं इसमें एक ड्रॉ कर रही हूँ एक ट्री, और आप जो चाहें वो ड्रॉ कर सकते हैं। मुझे ये थोड़ा सा अच्छा लगा तो मुझे जो माइंड में आया मैंने अपने हिसाब से इसमें ट्री को एक ड्रॉ करके और इसमें मैंने कलरफुल जो है इसकी लीव्स को बना दिया। और लीव्स को बन जाने के बाद में इसमें मैंने एक ये डोरी टाइप लगा दी है ऑरेंज कलर की, और फिर मेरे पास कुछ फैदर्स रखे थे उनका मैंने बंच बना बना के और इनके साथ में मैंने इस तरह से यहाँ पे लगा दिया है। तो ये हमारा थर्ड प्रोजेक्ट रेडी हो जाता है। आप इसे वॉल पे लगाइए या आप अपने डोर पे लगाइए, ये बहुत सुंदर वॉल हैंगिंग लगने वाला है। और बताइएगा मुझे आप लोगों को ये कैसा लगा। तो अब चलते हैं अपने फोर्थ प्रोजेक्ट की तरफ। तो देखिए, ये एक गुल्लक रखा था मेरे पास काफ़ी टाइम से, तो ये ऐसे ही रखा हुआ था तो मुझे लगा ये काफ़ी बोरिंग सा लगता है। तो देखिए, इसको भी मैंने जो है इसमें ब्लैक कलर और थोड़ा रेड मिक्स करके मैंने बेस कोट इसमें कलर लगा दिया, और उसके बाद में वॉल पुट्टी का पेस्ट एक मैंने कोन में भर के इस तरीके से मैं इसमें डिज़ाइन बना रही हूँ। और
जो भी आप डिज़ाइन बनाना चाहे बना सकते हैं, जैसा आपको माइंड में आता जाए वैसा बनाते जाइए। और इस तरीके से देखिए, मैंने जो इजी मुझे लगा वो मैं उस तरीके से आपके सामने मैं बना रही हूँ। और कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं इजी से इजी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि आप लोग इसे बना सकें। तो इस तरीके से देखिए, मैंने इसमें कुछ लीव्स की भी इसमें यहाँ पे डिज़ाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ पेस्ट से। और देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पे इसमें भी थोड़ा सा राउंड राउंड करके, अगर मेहंदी आप लगा लेते हैं ना तो आप बहुत अच्छे से इस तरह से डिज़ाइन बना सकते हैं। और बन जाने के बाद, अच्छे से ड्राई हो जाने के बाद में मैंने यहाँ पे कुछ मिरर को पेस्ट कर दिया है। और आप चाहें तो वॉल पुट्टी का पेस्ट कलरफुल भी लगा सकते हैं, बट मुझे वाइट ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था तो मैंने वाइट ही रहने दिया। तो ये देखिए, मिरर लगाने के बाद में हमारा गुल्लक कुछ इस तरह से लग रहा है। आई होप कि आज का वीडियो आपने इंजॉय किया हो। अगर अच्छा लगा हो ज़रा सा भी तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर मिलूंगी आप लोग साथ, तब तक ले बाय।